नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के ऊपर, और जब मुंबई इंडियंस ऑक्शन के अंदर जाएगी तब उनका मेन फोकस कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगा और कौन से प्लेयर्स के ऊपर रहने वाला है। अगर आप सभी को जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों देखिए, जहां तक बात रही मुंबई इंडियंस के स्क्वाड की, तो मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में जो है अभी फ़िलहाल बहुत सारे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद है, जहां पे हाल ही में जो है मुंबई इंडियंस ने क्विंटन डिकॉक को भी अपने टीम में शामिल किया है। अगर ये जो आईपीएल होता है साउथ अफ्रीका में, तब जो है क्विंटन डिकॉक बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं मुंबई के लिए। मुंबई के पास जो है बेहतरीन ओपनर है, इवन लुइस, क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव भी है ओपनर के तौर पे, तो यहाँ पे जो है मुंबई के पास कम्प्लीटली बहुत सारे ओपनर बल्लेबाज मौजूद है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो कौन से दो खिलाड़ी है जो करेंगे ओपनिंग। सबसे पहला विकल्प यही है इवन लुइस और क्विंटन डिकॉक, या तो फिर इवन लुइस या फिर सूर्य कुमार यादव, या तो फिर क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव। ऐसे में जो है मुंबई इंडियंस को देखना पड़ेगा कि वो कौन से खिलाड़ियों से ओपनिंग कराती है। और बात रही ऑलराउंडर और फिनिशर की, तो मुंबई के पास जो है बहुत सारे फिनिशर मौजूद है, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, कायरन पोलार्ड और बैन कटिंग। यहाँ पे जो है मुंबई के पास कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है दिक्कत की, वो है मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के पास जो है एक वर्ल्ड क्लास बॉलर मौजूद है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। लेकिन अगर बुमराह को हटा दिया जाए गेंदबाजी से, तब उसके बाद जो है मुंबई की जो गेंदबाजी की लाइनअप है वो थोड़ी सी हल्की दिखाई पड़ती है। जहाँ पे नाम आता है मिचेल मैक्लारेगन का, हालांकि जो मैक्लारेगन है उनको आईपीएल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मैक्लारेगन है वो काफ़ी ज़्यादा रन लुटा देते हैं। दोस्तों मुंबई के पास जो है बहुत सारे ऑलराउंडर मौजूद है जो कि गेंदबाजी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या करेंगे, कुणाल पांड्या करेंगे, बैन कटिंग करेंगे, लेकिन मुंबई के पास जो है एक अच्छे कंप्लीट फास्ट बॉलर की तलाश रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें बुमराह की, यानी कि बुमराह की तरह ही मुंबई को एक और इंडियन तेज गेंदबाज चाहिए जो कि मुंबई के लिए पूरा सीजन खेलने वाला है। दोस्तों ऐसे में जो है मुंबई इंडियंस जब ऑक्शन के अंदर जाएगी, तब जो मुंबई का मेन फोकस रहेगा वो रहने वाला है एक इंडियन तेज गेंदबाज के ऊपर। दोस्तों मुंबई इंडियंस जो है अभी भी एक विदेशी खिलाड़ी को खरीद सकती है ऑक्शन से, तो क्या पता मुंबई इंडियंस अगर लसित मलिंगा ऑक्शन में आ चुके हैं और मुंबई अगर लसित मलिंगा में दिलचस्पी दिखाती है, तो क्या पता मलिंगा फिर से मुंबई की टीम से खेलते हुए नजर आए आईपीएल 2019। तो दोस्तों ये था मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस का एनालिसिस, जो कि मुंबई को जो है मेन उनके इंडियन तेज गेंदबाज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ऑक्शन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।